Delhi World Public School, India's number one emerging school, जहाँ है academics, sports and performing arts का बेहतरीन combination. Admissions open from pre-nursery to 9th. हमारे यहाँ पे छोटी बड़ी बहन बेटियाँ हैं, हम यहाँ नहीं चाहते दारू का ठेका खुले. गंदे लोग आते हैं यहाँ पर, एक दूसरे की किसकी नज़र कैसी है, किसकी नज़र कैसी है, इसलिए हम यहाँ दारू का ठेका नहीं खुलने देंगे, इसलिए हम प्रशासन करना चाहते हैं. कौन सी जगह है? आशागंज गौशाला के पास, हरिजन बस्ती. आपका नाम? अजय नगर रोड. मेरा नाम पूनम हटवाल. दारू का ठेका के लिए हमारे यहाँ दारू का ठेका नहीं खुलना चाहिए पास के अंदर. कई बच्चे मर गए दारू वहाँ पी के, इसलिए हम मना कर रहे हैं. यहाँ दारू का ठेका नहीं खोलना चाहिए. किसका ठेका है, कहाँ पर है ये? आशागंज के अंदर है. अब वो ठेका वाले का तो नाम? आपका नाम? आपका नाम? मेरा नाम पार्वती. आज हमने ये प्रदर्शन आशागंज सिंधी बस्ती गोड़ सदन के पास में आज देसी शराब का ठेका खोलने के हमने विरोध करा. विरोध हमारा ये था कि पूर्व में भी यहाँ एक देसी शराब का ठेका था, उसको भी हमने बंद कराया था. और यहाँ आए दिन पहले भी शराब की एक इतनी लत में लोग पड़ गए थे कि आमजन इतना परेशान रहने लग गया था कि कई शराब भी यहाँ आके सुबह शाम पड़ जाते थे और महिलाओं को उनका खतरा रहने लग गया था. जब ये दुकान खोलने के पूर्व में हमने उस व्यक्ति से बात करी, हमने उसको कहा कि आप ये शराब का ठेका यहाँ ना खोलें, इसको बंद कर दें. वो व्यक्ति हमारी बात को सुनकर करके चला गया. पर हम ये जानते हैं कि शराब का ठेका ऐसे बंद नहीं होगा, इसलिए हमने उस कार्रवाई के लिए विरोध प्रदर्शन करा. और ये प्रेस के माध्यम से हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये देसी शराब का ठेका यहाँ नहीं खुलना चाहिए, ये हमारी मांग है. और ये मांग सदा बनी रहे, यहाँ देसी शराब का ठेका खुलना चाहिए. जी दुकानदार कौन है, क्या नाम? दुकानदार का नाम कोई दीपू करके है. और पूर्व में दुकान है यहाँ पे, कोई वकील नकील के नाम से कोई ठेका खुला है दुकान के नाम से. ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम राजेश कुमार. ये अपने गौशाला के पास जो है, यहाँ पर कोई देसी शराब का या विदेशी शराब का कोई ठेका है, उसकी लोकेशन पास हुई है, जिस पर आसपास के जो कॉलोनी वाले हैं इन्होंने बताया कि आसपास कॉलोनियाँ हैं और रहायशी इलाका है, और यहाँ इस बात को लेकर इनमें विरोध है. तो इन लोगों को बताया गया है कि विरोध के लिए जो भी प्रोसीजर है वो संबंधित विभाग में जाकर अपनी पीड़ा बताएं और वहीं से वो कार्रवाई सुनिश्चित होंगी. सर ठेका किसका, किसके नाम है? ये हमें जानकारी नहीं, आबकारी विभाग वाले से पूछना पड़ेगा. बाकी ठेका यहाँ पर किसी को अलॉट हुआ है ऐसा लोगों ने बताया है. पूर्व में तो यहाँ नहीं था, अब हुआ है तो पता करेंगे किसका है.